इसके साथ फिल्म करना पसंद करोगे, शाहरुख या सलमान? एक तो मुझे ये बिग बॉस वालों को समझ में नहीं आता, ये लोग बिग बॉस से निकलने के बाद सीधे जाके गाने क्यों बनाने लगते हैं। दिलवाइस यादव का गाना बड़ा ही ट्रेंड पे चल रहा है और उनको शाहरुख खान से कंपेयर किया जा रहा है। बिग बॉस को जीतने के बाद दिलवाइस यादव का सिस्टम बड़ा ही हाई पे चल रहा है। कई लोग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और कई लोग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और अगर तुम बात करो मेरी नापसंद या पसंद की, तो दिलवाइस यादव के फैन की ये वाली वीडियो देख के खुद ही उसको नापसंद करने लगोगे। दिलवाइस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दिलवाइस भाई। दोस्तों, अक्सर आपने किन्नर समुदाय के लोगों को ताली बजाते हुए देखा होगा, बट क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि किन्नर लोग ताली क्यों बजाते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं छबली बद्दा कैपिटल सी। अबे बोल बेस भाई, ये तेरी लुगाई नहीं है जो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। बिमल की पुड़िया बक, साले जाके काम धाम कर, कुछ पैसा वैसा कमा, एल्विस नहीं देने वाला तुझको। अब तुमने खुद ही देख लिया आजकल के छबरी बच्ची कैसे उसको सपोर्ट करने लगे हैं। एल्विस का एक ही फैन बेस अच्छा था जो पुराना था, बाकी अब तो सारे छबरी भरे पड़े हैं। बाकी इन भाई साहब को करनी है शाहरुख खान के साथ मूवी। भाई साहब वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि मैं शाहरुख खान से मिल लिया, जबकि ये रियलिटी में वीडियो के अंदर जनता के बीच में खड़े थे और सिर्फ वीडियो बना रहे थे, ना कि मिल रहे थे। सीधी भाषा में बोला जाए तो आपके एल्विस भाई अब क्लिकबेट भी कर रहे हैं। इस बंदे को शाहरुख खान से कंपेयर करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, कहां वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान और कहां है एल्विस यादव, और बस ये गाना बनाए खुद को बड़ा कूल समझ रहे हैं भाई साहब। शाहरुख खान, मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे लग जाता है कि फैन बहुत गालियां देंगे, पर भाई मुझे पता है, देते रहो। मेरे हिसाब से तुम भी इस पागल फैन की जैसे हो।